सुखबीर बादल की हमायत कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भी आई एंड माई पार्टी आर इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। ये इस कदर करप्ट ने बादल टब्बर कि इसे ही बादल ने हुण तां इहदा प्यो मर गया होया है, लेकिन जदों 5 अगस्त 2019 नूं आर्टिकल 370 खत्म करन दा मता लिआंदा गया सी उदों तां इह बुढ़ा जिंदा सी इहदा, हुण इन्हां ने हमायत कीती। ਆਟੋਨਮੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਮਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਮਨੀ ਦੂਜੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕੁੱਟੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। लिंगुइस्ट स्टेट्स बनना जड़ा है उदे नाल घट्टो घट ये कि एक जबान बोलन वाले लोग उन्हां दा एक सूबे दे अंदर घट्टो घट उन्हां दे कोल अंदरूनी खुद मुख्तारी होएगी। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अकाली दल बादल प्रधान सुखबीर बादल ने बीजेपी की एक राष्ट्र एक चोण जड़े एजेंडे की हमायत की है और ये अपने पैरों पर कुहाड़ी मारन वाला वाग है और जिमें कि बादल अकाली दल ने कश्मीर विचों धारा 370 हटाने के बिल का समर्थन किया। सो एक राष्ट्र एक इलैक्शन का मतलब है कि भारत में फैडरल ढांचे का पूरी तरह भोग पा देना, पर विके हुए मूर्खा नूं कौन समझा सकता है। सो इस बारे आप गलबात कर रहे हैं। सो असं चाहवागे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिख लिये तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो जदों इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे विच भारतीय आइन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हो रहा सी ते उन्हां दे सामने बड़ा क्लीयर मॉडल सी कि जदों असी फैडरल सिस्टम की गल करते हैं, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ी कांग्रेस की कमिटमेंट कैबिनेट मिशन दे वेले भी सी जिस दे आधार दे उत्ते जिहड़ा है वो बाद दे विच सिख भी मंग करते रहे भी ये ढांचा होए, आनंदपुर के मते दे भी उही स्पिरिट सी और वो ये सी कि भारत क्योंकि अड अड सभ्याचार सभ्याचार असी तहजीब नूं कहिंदे आ जी, अड अड बोलियां और अड अड नस्लां दे लोकां दा समूह है, उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टीनेंट है, एक रेस एक जबान एक सारता नहीं है जो नेशन स्टेट या एक नेशन दे थले जिहड़ी गल कीती जांदी है। इसलिए भारत दा जिहड़ा सिस्टम होए वो आइडियली फैडरल सिस्टम होएगा और फैडरल सिस्टम दा मतलब सी जिहड़ी इनिशियल मंग नूं कांग्रेस ने 30 च मन्निया सी कैबिनेट मिशन दे वेले और आनंदपुर के मते च भी यही कहा गया सी कि 3-4 महकमे सेंटर गवर्नमेंट अपने कोल रखे। इहदा मतलब यह है कि नेशन की फॉरन पॉलिसी की होएगी ये फैडरल हकूमत डिसाइड करे, डिफेंस जाहिर है फौज और दूसरा जिहड़ा और फाइनेंस कि भाई उहदे च कम्युनिकेशन दूजा, बाकी हर मामले दे विच जिहड़ियां स्टेटां ने वो ऑटोनमस होण, खुद मुख्तार होण, इंटरनल ऑटोनमी हो, उपर ढांचा जिहड़ा भारत दा हो, जिवें अमरीका दा बाई एंड लार्ज यही मॉडल है कि अमरीका दे विच तुसी देखोगे हर स्टेट दा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनियां लैजिस्लेचर बॉडीज़ ने, अपना झंडा है, अपना बजट है और ईवन अपने ड्राइविंग लाइसेंस ने, अपनी हर चीज़ जिहड़ी है वो है और कोई भी जिहड़ी फैडरल इंटरवेंशन है जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर तो लैके बाकी तो सारा है ही है, अदर दैन के जिहड़े कुछ क्राइम फैडरल कैटागरी च रखे हुए ने जिहदे च FBI इनवॉल्व हुंदी है, जिहदे च हेट क्राइम आ जाता है जां कोई होर सैबोटाज कंस्पीरेसी कोई इस किस्म दे जिहड़े ने। हुण शुरुआत तां भारत दी भी इवें ही होई, लेकिन हौली हौली असी देखदे हां और यही कारण सी कि ईवन रिवर वाटर्स लई भी यही इंटरनेशनल राइपेरियन लॉ की गल हुई और जदों एक कमिटमेंट जिहड़ी कांग्रेस दी लोकां दे नाल सी और वो ठीक फैसला बाद दे विच होया, वो भी नहरू ने आसानी नाल नहीं सी मन्निया, वो भी मिस्टर रोमेल तेलंगाना दे रहण वाले जदों उन्होंने भुख हड़ताल की और उन्हां दी डैथ हो गई, वो सी
लैंग्वेज के आधार के उत्ते सूबे का बनाना कि भाई अड अड कल्चरस ने जे हुण असी कल ही जदों असी गल कीती कि भी संस्कृत जिन्हों बोलन वाले सिर्फ 15,000 लोग ने भारत दे विच, लेकिन किवें 800-900 करोड़ रुपया उहदी प्रमोशन के उत्ते खर्च किया है। जदों के जिहड़ियां खेतरी जबाना ने, जो तुसीं इंडियन करंसी का नोट देखते हो 22 जबाना ने जिहड़ियां इन्हां ने मन्नियां होई हैं, उन्हें कुछ साउथ दियां 5-6 जबाना ने और उस सारे दे थले और उन्होंने कोई इन्हां नाल लागा देगा नहीं है। सो यही कारण सी कि जदों ये मंग उठी कि भी जबान के आधार पर सूबे बनन, फिर असी देखते हैं कि मद्रास स्टेट टुटी, तमिलनाडु, हुण नाडू लफज़ का मतलब तमिल जबान मुल्क होंदा है, तमिलों का मुल्क, हुण जिहड़ी अज खालिस्तान लफज़ नाल इन्हां नूं प्रॉब्लम है। हालांकि स्टेज पर बीबी रजिंदर कौर वो भी कई बार इन्हां नाइव कई गल्लां करदे ने, उन्हें राज्यसभा कहा सी, राज्यसभा मैंबर सी अकालियां दी, कि जी जे पंजाब दा नाम बदल के खालिस्तान रखता जाए तो सिख खुश हो जाणगे। हुण मतलब ये नहीं है, गल ये है भी तुसी विद इन ए कंट्री तमिलनाडु कह सकते हो, तमिलों का मुल्क, तो बॉम्बे नू दो स्टेटां च तोड़िया, एक मराठी स्पीकिंग ते एक गुजराती स्पीक गुजरात बना दिता है, तो महाराष्ट्र हुण राष्ट्र नेशन है, महाराष्ट्र राष्ट्र का भी प्यो, उत्थे तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तुसी ऑफिशियल नाम जिहड़ा है वह बना दिता हो। लेकिन जे खालसे दा दे उत्ते खालिस्तान लफज़ की गल हुंदी है, लफज़ की, हालां हुण तां साडा इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क की गल है, ना बदलन दे वाली गल तो पुराने जमाने दीआं इस किस्म दीआं जबलियां कई वारी अकाली सियासतदान मारदे सी। लेकिन लिंग्विस्ट स्टेट्स बनना जिहड़ा है उहदे नाल घट्टो घट्ट इह सी कि एक जबान नूं बोलन वाले लोग उन्हां दा एक सूबे दे अंदर घट्टो घट्ट उन्हां दे कोल अंदरूनी खुद मुख्तारी होएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे थले एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे महकमे स्टेट दे ही सी। लेकिन असी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं कि जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 120 दे करीब सोधां कीतियां गईआं अमेंडमेंट, उहदे च तुसीं बहुत सारियां सोधां देखोगे कि वह पावर जिहनूं यूसर्प करना कहिंदे, हड़पना, स्टेटां दीआं पावरस खो के सेंटर जिहड़ा वह पावरफुल हुंदा चला गया, फैडरल जिहड़ा सिस्टम नूं उन्होंने हौली 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 खत्म किया। हुण आनंदपुर का मता जिस दे उत्ते धर्मयुद्ध मोर्चा लगा, जिन्हों इन्होंने वक्खवादी, आतंकवादी, अलगाववादी सिखां नूं बनाया, पर उन्हों आनंदपुर के मते नूं वक्खवादी कहा गया। हुण आनंदपुर का मता इस फैडरल ढांचे की गल करता सी कि भाई आ 3-4 महकमे सेंटर दे कोल होण और पंजाब नूं जिहड़ा उह अंदरूनी खुद मुख्तारी होए, यही बाकी सूबयां नूं भी होए। और इस दे लई हालां इन्होंने घल्लूकारा भी करता दूजा भी, फिर भी राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के थले कमीशन बनाया गया, उन्होंने सरकारिया कमीशन कहा गया, और सरकारिया कमीशन सी कि भी किवें स्टेटां दी जिहड़ी फैडरल ढांचे की बणतर है उन्हूं किवें मेनटेन रखा जाए। लेकिन पिछले 9 सालों के विच असी देखते हैं कि किवें हौली, पहले तो कांग्रेस ने ही शुरू कर दिता है, हालां जदों ये भी सी कि भी सूबियां दे विच अपनियां सरकारां बनदियां सी, पर दिल्ली च कांग्रेस की हकूमत होण करके जदों मर्जी वो एक संविधान दे विच आर्टिकल 356 है जिहदे थले गवर्नर किसी भी सरकार नूं डिसमिस कर सकदा। हुण इंदिरा गांधी जदों हार तो बाद हारी, एमरजेंसी तो बाद फिर 1980 च जित्ती, जदों वापस आई तो 10 सूबियां दे विच जिहड़ियां सरकारां ओपोजिशन दीआं सी वो असैम्बलियां भंग करके दोबारा चोणां करा के दोबारा पावर च आ गए। सो मतलब उदों ही नज़र आ गया सी कि भी ये इक्को ही आर्टिकल 356 ऐसा है, जो मर्जी स्टेटां दे हक होण तां गवर्नर जदों मर्जी बरखास्त कर दे। अज भी असी देख रहे हैं वो वैसट बंगाल का गवर्नर होए जिन्हें ममता बैनर्जी का जीना हराम किया होए, छत्तीसगढ़ का होए जां पंजाब का परोत होए कर रहे हैं, जिहदे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन च भी कोई उहदी गुंजाइश नहीं है कि कोई वो इंटरवीन कर। हुण इस सब दे चलदिआं हालां जदों असी नॉर्थ ईस्ट दीआं स्टेटां देखदे हां, बहुतिआं नूं आर्टिकल 370 दा पता है भी कश्मीर दे विच सी एग्रीमेंट सी, जम्मू कश्मीर दा अपना झंडा सी, अपना नैशनल एंथम सी, उन्हां दे हैड नूं सदरे रियासत कहिंदे सी, उन्हां दी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली सी, कोई लॉ ऑटोमैटिकली पार्लीमेंट दा उन्हां ते लागू नहीं सी हुंदा, पर असीं देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली 1955-56 खत्म करती गई और जो काम 5 अगस्त 2019 नूं आर्टिकल 370 और उन्हूं अगों एनफोर्स करने लई 35A सब उड़ा दिता, सूबे का भी वजूद खत्म कर दिता।
हूँ सब तो क्योंकि इस नूं असीं एक पासे तो राष्ट्रवाद के नाँ थले ऑलरेडी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी वन नेशन वन रेस वन पीपल नाजियां वाली तर्ज की लागू है। हुण कश्मीर का यह वजूद मिटाना ये तो सिखां दे लई अकालियों ने खासकर जिहड़ी आनंदपुर का मते ते मोर्चे लाउण वाले सी जां फैडरल ढांचे की मंग करते सी वह लाल झंडी होनी चाहिए सी कि हुण तक ये तो हुंदा सी कि किसी खिते नूं जिहनूं यूनियन टैरिटरी बनाया होया सेंटर ने उन्हूं स्टेटहुड दे दिता जांदा सी कि भाई उहदा स्टेट का दर्ज में हिमाचल प्रदेश सूबा नहीं सी पहला यूनियन टैरिटरी सी। ये तो 1966 तो शायद दो तीन साल बाद 1969 दे विच उहनूं स्टेट बनाया गया। इस तरह अरुणाचल प्रदेश भी यूनियन टैरिटरी सी, इस तरह मणिपुर भी यूनियन टैरिटरी। सो ये तो हुंदा सी कि यूनियन टैरिटरी का दर्जा तुसी स्टेट लैवल ते लैओ, ये नहीं सी हुंदा भी तुसी आर्टिकल 3 जिहड़ा स्पैशल तुसी राइट दिता वह भी खोलो तो सूबे का वजूद भी मिटा दिओ। हुण इस तरह नॉर्थ ईस्ट दीआं स्टेटां नूं आर्टिकल 371 दे थले उत्थे कोई जमीन नहीं खरीद सकदा, उहदे च मणिपुर भी है, उहदे च नागालैंड भी है, अरुणाचल भी है, दूजे भी ने। हुण जदों 370 खत्म कर दिता उहनां नूं भी फिक्र पै गया भी ये तो होएगा। हालां सुप्रीम कोर्ट जदों अजकल बहस चल रही है कश्मीर दी इस आर्टिकल 370 एबरोगेशन नूं लैके, सेंटर ने कहा नहीं 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 जी उत्थे उह स्पैशल ते फलाना ठिमका, लेकिन अकालियां दी तुसीं इहनां दी बेईमानी विकांदरूपण घटियापन मूर्खता नहीं है, ये इस कदर करप्ट ने बादल टब्बर कि इसे ही बादल ने हुण तां इहदा प्यो मर गया होया। लेकिन जदों 5 अगस्त 2019 नूं आर्टिकल 370 खत्म करन दा मता लियांदा गया सी उदों तां इह बुढ़ा जिंदा सी इहदा, हुण इहनां ने हमायत कीती, इहनां नूं शर्म नहीं आई कि भई तुसीं जिहड़ा आप सूबिआं नूं अटोनमी मंगते हो। आनंदपुर का मता खुद मुख्तारी का एक स्टेज से, मस्तारा सिंह वाला अकाली दल मंग करता हुंदा सी कि आर्टिकल 370 पंजाब भी सानू यही हक दे दो, तो तुसीं उहदा वजूद खत्म करवा दिता। हुण इन्हां नूं इह लगता है कि भी बीजेपी नूं कि अज तां मोदी एक स्टार कैंपेनर है, कदे नहीं सी होया पहला कि कोई प्रधानमंत्री लैवल दे उत्ते लोकल MLA दीआं चोणां दे विच जा के कैंपेन करदा होए। हुण ये तो पंचायत दीआं चोणां भी किसी सूबे च हुंदियां ने ते बीजेपी का स्टार प्रचारक बन के गया हुंदा प्रधानमंत्री। हुण इन्हां नूं लगता है कि भी कुछ थावां ते सौदा विक रहा, कुछ तो नहीं विक। हुण कर्नाटका च चोणां होईआं, कांग्रेस आ गई वापस, हालां मोदी नूं उन्हां ने पिच कीता सी उत्थे ले जा के जां दूजे, उन्हां ने कहा जी इक अद्धी वारी तां झूठ इन्ना बोल दिओ और इन्ना कुछ कर दिओ कि भी सारिया ही चोणां इक्को वेले हो जाण। इक जदों पार्लीमेंट दीआं चोणां हुंदियां ने भारत के 29 सूबे ने दूजे ने उन्हां दीआं चोणां भी नाल ही, हुण जदों इह कह रहे ने वन नेशन वन इलैक्शनस, इहदा मतलब यह है कि भी विच विचाले हुण किसी की टर्म 8-9 असैंबलियां की मुक्नी है, कुछ की बाद च जा के मुक्नी है, जिवें पंजाब पिछले साल अजे बनया, अजे इहदे 4 साल पए ने 3.5 साल कि जी ऐसा लॉ लियाओ कि इक्को वेले ही चोणां दे विच लोग सारियां वोटां पार्लीमेंट दीआं भी पा देण, असैंबलियां भी, फिर 5 साल बाद जदों चोण होए देखो जी खर्चा घट जाएगा। जदों गल इह नहीं है, उहनां नूं इह है कि इक वार बाई हुक और बाई क्रुक मनी दूजे खर्च करके लै लो और उस तों बाद फिर 5 साल कुट्टो लोकां नूं भी, मनाइयां करो, चोरी करो, करप्शन करो, अडानी नूं रजाओ, अंबानी नूं रजाओ ते गल मुका दिओ। हुण इह सब तों खतरनाक है फैडरल सिस्टम दे लई कि जदों तुहाडी पावर जे हर सूबे की असैम्बली की एक अपनी टाइमिंग है, वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है भी उन्हें कदों डिजोल्व कर, इन बिटवीन भी वो डिजोल्व कर देता है, कई बार मिड टर्म इलैक्शन इसलिए होंदिया सी कि वो तुहाडे हकूक जा रहे हैं। और हुण इस दे उत्ते हालां ओपोजिशन पार्टियां ने कोई क्लीयर लाइन नहीं ली, पर साडा एक मूर्खां दा राजा विकांदरू माल सुखबीर बादल उहदी हमायत कर रहा है, वो कह रहा है कि भी आई एंड माई पार्टी आर इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलैक्शन, एवरी सैकेंड डे देर इज़ वन और द अदर इलैक्शन टेकिंग प्लेस, लोकसभा एंड विधानसभा इलैक्शन शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली सो दैट देर इज़ नो इलैक्शन फॉर 5 ईयर्स, अदरवाइज वट हैपन इज इलैक्शन कीप्स टेकिंग प्लेस इन वन स्टेट और द अदर। हुण तुसीं इसनूं की कहोगे, मतलब ये है कि ईवन इस हद तक जाके तरले कर रहे हैं बीजेपी के कि असीं तुहाडे इस स्टैप दी भी हमायत करते हैं जिहड़ा बिल्कुल
यूसर्प कर रहे पावर्स नूं, सानू अपने गले लगा लो, बिल्कुल सानू वापस ले लो। और उही कदे पति पत्नी का रिश्ता कह के इहदे प्यो ने बेड़ा गर्क किया सी और हुण ए बेड़ा गर्क करन ते आया जी। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद साथ लेने ब्रेक फ्यूअर्स है, तुसीं इस तरह जुड़े रहना, मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।